स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से वीएन इंस्टीट्यूट चैनल में। आज हम आपको पढ़ाएंगे कि पश्चाग इंजन के अंगों का वेग तथा त्वरण कैसे ज्ञात करते हैं। यहाँ पे पश्चाग इंजन मतलब रेसिप्रोकेटिंग इंजन की बात हो रही है। इसमें पार्ट्स कौन सा है? पार्ट्स है पिस्टन। पिस्टन की बात हो रही है। पिस्टन का पहले हम डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, फिर वेलोसिटी, फिर एक्सेलरेशन निकाल के आपको हम बताएंगे। ये फिगर बना हुआ है रेसिप्रोकेटिंग इंजन का। इसमें पिस्टन इस पॉइंट से पी डैश पे स्टार्टिंग में है, फिर पी डैश से पी पे जब जाता है तो क्रैंक थीटा एंगल बनाता है। मान लीजिए कि आर क्रैंक का लेंथ है, जो एल है एल कनेक्टिंग रॉड का लेंथ है। मान लीजिए कि जो क्रैंक है वो ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। यहाँ पे अगर टी टाइम में वो थीटा एंगल बना रहा है और ओमेगा कोणीय वेग से घूम रहा है, तो ओमेगा इज इक्वल टू हो जाएगा डी थीटा बाई डी टी। ओमेगा इज इक्वल टू हो जाएगा डी थीटा बाई डी टी, इसको याद रखिएगा। अब पिस्टन पी डैश से पी तक एक्स डिस्टेंस मान लीजिए ट्रेवल करती है, तो पहले हम एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद माना टी टाइम में एक्स डिस्टेंस ट्रेवल करती है, टी टाइम लगाती है, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा? वेलोसिटी हो जाएगा डी एक्स बाई डी टी। अगेन एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? डी वी बाई डी टी या डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर, मीन्स डबल डिफ्रेंशिएशन एक्स का हो जाएगा, डिस्टेंस का डबल डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा, तो एक्सेलरेशन फाइंड आउट हो जाएगा यहाँ पे। अब देखिए, मान लीजिए यहाँ ये क्रैंक पिन है, कनेक्टिंग रॉड का लंबाई एल है और क्रैंक की लंबाई आर है, तो मानते हैं कि एन इज इक्वल टू एल बाई आर। एन कोई नंबर है, मानते हैं एन इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ कनेक्टिंग रॉड एंड लेंथ ऑफ क्रैंक, n इज इक्वल टू एल बाई आर। माना ये जो C पॉइंट है, C पॉइंट से स्ट्रोक लाइन पे एक हम परपेंडिकुलर या लंब डाल देते हैं, ये CB है। अब देखिए, चूंकि दो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, दो समकोण त्रिभुज बन रहा है, समकोण त्रिभुज CBO और CBP, CBO और CBP, तो यहां पे सबसे पहले देखते हैं कि सी बी की वैल्यू क्या आएगी इस छोटे ट्रायंगल से। लेट एन ट्रायंगल सी बी ओ, इस ट्रायंगल में सी बी ओ में हमको सी बी निकालना है, तो इसके लिए हमको लेना पड़ेगा साइन थीटा। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, मीन्स सी बी अपॉन OC, CB upon OC, OC क्या है? The length of crank, CB upon R, the length of crank कितना है? R है, या CB is equal to हो जाएगा R sin theta। अब right angle triangle CBP में, now in ट्रायंगल सी बी पी, अब हमको सी बी फिर से निकालना है इस ट्रायंगल के लिए, बड़े वाले के लिए, तो साइन फाई ले लेंगे, बिकॉज ये जो कनेक्टिंग रॉड है सी पी वो किसी टाइम स्ट्रोक लाइन से फाई एंगल बना रहा है। कितना एंगल बना रहा है? फाई एंगल बना रहा है, तो साइन फाई इज इक्वल टू अगेन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, सी बी अपॉन हो जाएगा पीसी, पीसी, तो सी बी इज इक्वल टू पीसी साइन फाई, पीसी है एल, तो एल साइन फाई हो जाएगा। अब अगर यहां पर देखते हैं, ये भी सी बी है और ये भी सी बी है, तो दोनों इक्वल हो जाएगा। नाउ सी बी इज इक्वल टू R साइन थीटा इज इक्वल टू एल साइन फाई, यहां से साइन फाई इज इक्वल टू हो जाएगा
साइन थीटा अपॉन एल बाई आर। ध्यान से समझिएगा, एल बाई आर को हमने माना है एन, यहां से तो दैट इज साइन थीटा बाई एन हो जाएगा, साइन फाइव इक्वल टू साइन थीटा बाई एन। ये याद रखना है, इसकी जरूरत आगे पढ़ने वाली है। अब हम पहले डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे पी डैश पी। मान लीजिए कि स्टार्टिंग में कोई पिस्टन पी डैश पॉइंट पे था, तो ये क्रैंक और कनेक्टिंग रॉड बिल्कुल सीध में थे, लेकिन जब पिस्टन थोड़ा सा आगे बढ़ा तो ये क्रैंक थीटा एंगल स्ट्रोक लाइन से बना लेता है। वीडियो को पॉज करके अच्छे से नोट डाउन करिएगा। अब पहले हम एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। नाउ एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए एक्स मीन्स पिस्टन पी डैश से पी तक जाता है, तो ध्यान दीजिए हो जाएगा ओपी डैश माइनस ओपी, ओ पी डैश माइनस ओपी, ओपी डैश माइनस ओपी। तो एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा ओपी डैश, ओपी डैश। ध्यान दीजिए कि जब ये सी यहां पे पहुंच जाता है स्ट्रोक लाइन पे, तो ये क्रैंक एंड कनेक्टिंग रॉड बिल्कुल सी में हो जाते हैं। मान लीजिए प्रेजेंट टाइम में इस तरह है, प्रेजेंट टाइम में इस तरह है, ठीक। अब जब ये आगे बढ़ेगा तो ये दोनों एक सीध में हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे। तो ओपी डैश मतलब पी, जब पी डैश पे था तो दोनों एक सीध में थे, मींस ओपी डैश इज इक्वल टू ओसी प्लस पीसी, मींस एल प्लस आर। ओपी डैश इज इक्वल टू एल प्लस आर हो जाएगा, तो दैट इज एल प्लस आर हो जाएगा माइनस ओपी। ओपी को हम लिख सकते हैं ओबी प्लस बीपी, ओबी प्लस बीपी। इसको अगर इक्वेशन नंबर वन हम मान लें, अगेन इन दोनों ट्रायंगल्स की जरूरत पड़ने वाली है सी डी ओ और सी बी टी की। नाउ इन ट्रायंगल सी डी ओ कॉस थीटा, चूंकि ओबी की वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस आर, ओबी इज इक्वल टू आर कॉस थीटा। अगेन सी बी पी में, अगेन सी बी पी में कॉस फाई इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस बी पी अपॉन एल, दैट इज बी पी इज इक्वल टू एल कॉस फाई। अब इक्वेशन वन में ओबी और बीपी की वैल्यू हम यहां से रख देंगे, ओबी एंड बीपी। नाउ फ्रॉम वन एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा एल प्लस आर माइनस ओबी, ओबी मीन्स आर कॉस थीटा प्लस एल कॉस फाई, एल कॉस फाई ये हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू। अब देखिए एल और एल वाला टर्म एक साथ ले लेंगे, तो एल माइनस ये माइनस अंदर जाएगा, तो माइनस एल कॉस फाई हो जाएगा प्लस आर माइनस आर कॉस थीटा। अब यहां से एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा एल कॉमन ले लेंगे, तो वन माइनस कॉस फाई प्लस आर कॉमन ले लेंगे, तो वन माइनस कॉस थीटा हो जाएगा यहां पे। अब थोड़ा सा और इसको हम व्यवस्थित कर लेते हैं, तो एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा, इसमें से आर कॉमन ले लेते हैं दोनों में से, तो आर कॉमन हो जाएगा, हो जाएगा एल बाई आर वन माइनस कॉस फाई प्लस वन माइनस कॉस थीटा। वीडियो को पॉज करके अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा और समझते चलिएगा। यहाँ पे x इज इक्वल टू आर ब्रैकेट में दिस आ गया है, x इज इक्वल टू आर। अब l बाई आर को हम लिख सकते हैं n, n हमने माना हुआ है, तो n n का अंदर गुणा करने के, तो n माइनस n cos phi प्लस वन माइनस cos थीटा। एक स्टेप आगे हमने लिख दिया है, यहाँ पे l बाई आर इज इक्वल टू
यहाँ पे हमने एम रख दिया है क्योंकि एल बाई आर इक्वल टू एम। ध्यान से समझिएगा, बहुत इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। एल बाई आर इक्वल टू एम है, एक्स इक्वल टू आ जाएगा। अब यहाँ पे आर ब्रैकेट में वन प्लस एन, एक साथ ले लेंगे, वन प्लस एन माइनस कॉस थीटा माइनस एन कॉस फाई, ये हो जाएगा। अब हमने लिया है क्योंकि साइन फाई इक्वल टू साइन थीटा बाई एन पहले आया था, तो यहां से कॉस फाई क्या हो जाएगा, अंडर रूट वन माइनस साइन स्क्वायर फाई होता है, तो कॉस फाई इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट वन माइनस साइन फाई की जगह पे लिख देंगे साइन थीटा बाई एन, साइन स्क्वायर थीटा बाई एन स्क्वायर, दैट इज कॉस फाई हो जाएगा वन बाई एन अंडर रूट एन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये कॉस फाई की जो वैल्यू है यहाँ पे हम पुट कर देंगे, और एक्स इज इक्वल टू आर वन प्लस एन माइनस कॉस थीटा माइनस एन कॉस फाई, एन इंटू कॉस फाई की वैल्यू ये आई है वन बाई एन में एन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यहां से आया हुआ है ये, ध्यान से इसको देख लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। अब x इज इक्वल टू आ जाएगा r वन प्लस एन माइनस एन से एन कैंसिल हो जाएगा cos थीटा माइनस रूट में एन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसको इक्वेशन नंबर हम 2 मान लेते हैं। अब हमने आपको बताया डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे इसका x की वैल्यू निकल गई। अब वेलोसिटी निकालेंगे, वेलोसिटी मीन्स dx बाई dt, मीन्स डिस्प्लेसमेंट का t के सापेक्ष अवकलन करना या t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना। नाउ वेलोसिटी ऑफ पिस्टन v इज इक्वल टू dx बाई dt। अब डिफरेंशिएशन में आपने पढ़ा होगा dx बाई dt को लिख सकते हैं dx बाई d थीटा इंटू डी थीटा बाई डी टी, लिख सकते हैं इसको इजीली क्योंकि d थीटा कैंसिल जाएगा, आ जाएगा dx बाई डी टी। अब v इज इक्वल टू हो जाएगा dx बाई डी थीटा, मीन्स ये जो इक्वेशन नंबर 2 आया है इसका थीटा के सापेक्ष डिफरेंशिएशन, तो हो जाएगा डी थीटा ऑफ आर वन प्लस एन माइनस कॉस थीटा माइनस रूट में एन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा बाई डी टी, इसकी जरूरत आ गई, ओमेगा इक्वल टू होता है डी थीटा बाई डी टी, तो इंटू ओमेगा हो जाएगा। पॉज करके अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा और इसको मिटाना पड़ेगा। ये आ गया था v इक्वल टू डी बाई डी थीटा इंटू आर ब्रैकेट में वन प्लस एन माइनस कॉस थीटा माइनस एन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू ओमेगा, या अब r कांस्टेंट है तो r बाहर आ जाएगा और ओमेगा भी कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, v इक्वल टू ओमेगा r, वन और n कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा, वन का भी जीरो प्लस एन का भी जीरो, माइनस कॉस थीटा का होता है माइनस साइन थीटा माइनस डी बाई डी थीटा एन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसको पावर वन बाई टू हम यहाँ पे लिख सकते हैं। अब बी इक्वल टू आ जाएगा ओमेगा आर ब्रैकेट में ये माइनस इंटू माइनस साइन थीटा हो जाएगा माइनस, ये पहले आ जाएगा हाफ इंटू एन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा हाफ माइनस वन इंटू अगेन एन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा का डिफरेंशिएशन करेंगे तो एन स्क्वायर का जीरो हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का माइनस टू साइन थीटा कॉस थीटा, टू साइन थीटा कॉस थीटा आप जानते हैं होता है साइन टू थीटा, वी इज इक्वल टू ओमेगा आर हो जाएगा
साइन थीटा माइनस एक बटे दो अपॉन टू अंडर रूट एम स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा ए ऊपर साइन टू थीटा रहेगा। अब एन स्क्वायर के अपेक्षा जो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू बहुत कम होती है, बिकॉज थीटा तो बहुत कम होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू एन स्क्वायर के सापेक्ष बहुत कम होती है, क्योंकि एन स्क्वायर की अपेक्षा साइन स्क्वायर थीटा का मान बहुत कम होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा को निगलेक्ट करने पर साइन स्क्वायर थीटा को निगलेक्ट कर देंगे, क्योंकि वैल्यू जब बहुत कम आएगी एन स्क्वायर की अपेक्षा साइन स्क्वायर थीटा की, तो साइन स्क्वायर थीटा जीरो हो जाएगा। तो v इज इक्वल टू आ जाएगा ओमेगा आर साइन थीटा माइनस साइन टू थीटा अपॉन टू रूट में एन स्क्वायर माइनस जीरो, एन स्क्वायर माइनस जीरो, दैट इज v इज इक्वल टू ओमेगा आर साइन थीटा माइनस साइन टू थीटा डिवाइडेड बाई टू एन। ये वैल्यू आ गई किसी भी पिस्टन की वेलोसिटी का। वीडियो को पॉज करके अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा, मिटाना पड़ेगा। वेलोसिटी की वैल्यू आ गई, इसको इक्वेशन नंबर तीन मान लेते हैं, v इक्वल टू ओमेगा आर ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस साइन टू थीटा बाई टू एन। अब अगेन एक्सेलरेशन निकालना हो पिस्टन का, तो वेलोसिटी का अगेन टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा। अगेन फॉर एक्सेलरेशन ऑफ पिस्टन एफ इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी, मीन्स डिफ्रेंशिएशन में हम जानते हैं कि डी बाई डी टी को लिख सकते हैं डी वी बाई डी थीटा इंटू डी थीटा बाई डी टी। डी थीटा बाई डी टी इज इक्वल टू ओमेगा होता है, दैट इज एफ इज इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी इज इक्वल टू ओमेगा, ओमेगा इंटू अगेन डी वी बाई डी डी थीटा, मीन्स वी का थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन, डी बाई डी थीटा ब्रैकेट में ओमेगा आर ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस साइन टू थीटा बाई टू एन। ओमेगा आर कॉन्स्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, एफ इज इक्वल टू हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर आर ब्रैकेट में साइन थीटा का डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में होता है कॉस थीटा माइनस वन बाई टू एन कॉन्स्टेंट, बाहर आ जाएगा वन बाई टू एन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ साइन टू थीटा डी बाई डी थीटा साइन टू थीटा। अगेन आ जाएगा एफ इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर ब्रैकेट में कॉस थीटा माइनस वन बाई टू एन साइन टू थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो जाएगा टू कॉस टू थीटा ब्रैकेट क्लोज, टू से टू कैंसिल, एफ इज इक्वल टू आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर आर कॉस थीटा माइनस कॉस टू थीटा बाई एन। ये हो जाएगा पिस्टन का एक्सेलरेशन। रेसिप्रोकेटिंग इंजन में पिस्टन का एक्सेलरेशन, इसको इक्वेशन नंबर फोर मान लेंगे, एक्सेलरेशन एफ इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर ब्रैकेट में कॉस थीटा माइनस कॉस टू थीटा बाई एन आ जाएगा। और वेलोसिटी वी इक्वल टू ओमेगा आर ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस साइन टू थीटा बाई टू एन आ जाएगा। ये एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर अलग अलग एंगल्स के लिए पूछता है तो थीटा की वैल्यू हम वैरी कराएंगे, थीटा इज इक्वल टू जीरो डिग्री या 45 डिग्री या 60 डिग्री या 90 डिग्री पे क्या आएगा, तो वैल्यू पुट करके हम फाइंड आउट कर लेंगे। जैसे वेलोसिटी थीटा इज इक्वल टू जीरो डिग्री क्या आएगा, साइन जीरो जीरो होता है साइन जीरो जीरो, तो वी इज इक्वल टू
जीरो आ जाएगा, एट थीटा इज इक्वल टू जीरो। तो ऐसे वैल्यू पुट करके हम फाइंड आउट कर लेंगे कि क्या आएगा। अगर कहीं कहीं नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और ऐसे अन्य वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, मित्रों में भी शेयर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।